हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस। आप कैसे इस क्वेश्चन सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो, तो यहाँ पर आपका 16 इंटू 2 के पावर n प्लस 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 के पावर n डिवाइड बाई 16 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो देखो मैं बता रहा हूँ। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16। तो देखो इस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 के पावर 4। क्यों, देखो इसका मतलब क्या होता है कि 2 के पावर 4 मतलब होता है 2 के जो 2 जो है इसका 4 बार 4 बार जो होता है मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका कितना होगा 4, 4 दुनिया 8, 8 दुनिया 16, तो 16 आपका 16 2 के पावर 4। इस चीज़ के बदले 16 के बदले आप 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी आपका 16 होता है, इसका मतलब तो आप जानते हैं 16 होता है, या आप ये लिखें या ये लिखें, लेकिन ये लिखेंगे तो आप एक फार्मूला के माध्यम से इसको आप सॉल्व कर सकते। देखो तो ये आपका कितना होगा 2 के पावर 4 इंटू जो होता है 2 के पावर n प्लस 1 माइनस, देखो 4 है तो 4 के बदले कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 4 का आप 2 इंटू 2 लिखो या 4 लिखो, या इसी चीज़ को आप पावर के रूप में कैसे लिखते हो, 2 के पावर 2, मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब होता है 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो देन आपका 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर n, ठीक है, बाय जो होता है 16 आपने लिखा था 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर n प्लस 2 माइनस और 2 के पावर, देखो यहाँ कुछ नहीं था, आप यहाँ पर 1 लिख देना, 2 के पावर 1 मीन्स आपका 2 का मल्टीप्लाई एक बार हुआ, 2 का मल्टीप्लाई एक बार हुआ मतलब 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू जो होता है 2 के पावर n प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो आपने जो होता है एक्सपोनेंट में एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर a के पावर m हो, ठीक है, उसके बाद इनटू a के पावर n हो, तो इस चीज़ को कैसे आप एक्सप्रेस करते थे, आपने जो था एक्सप्रेस करते थे a इंटू जो था m प्लस n, मतलब a को बाहर कर, इसे बेस कहते हैं, ऊपर वालों को पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, मतलब a को आप बाहर कर दो, a को बाहर कर दो और m प्लस n को, m और n को आप ऐड के पावर में ही ऐड कर दो, ठीक है। ऐसे आप फार्मूला, ये नहीं मालूम है तो आप इसे याद कर लेना, ठीक है, यह फार्मूला को, ठीक है। तो इसी फार्मूला देखो आपका 2 जो होता है यहाँ सेम है, ये भी सेम है, मतलब 2 मतलब ये आपका बेस हो गया। जब आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, उस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लो एंड देन पावर को आप सिंपली ऐड कर दो, 4 प्लस n प्लस 1, ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हो, तो आपका 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है, मतलब दोनों बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, उस चीज़ को 2 इंटू 2 प्लस n लिख सकते हो, ठीक है। उसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 के पावर 4 है और 2 के पावर n प्लस 2, मतलब अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, उस चीज़ को आप पे यहाँ देखो 2 के पावर n मतलब a के पावर m, यहाँ 2 के पावर n मतलब m, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, उस चीज़ को आप a को, अगर आपका बेस सेम है तो बेस को निकालो और पावर को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो 2 हो गया और पावर को ऐड कर दो, 4 प्लस n प्लस 2 माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो यहाँ बेस सेम है पावर डिफरेंट है, उसके जगह पे ये लिख सकते हो, तो 2 कॉमन कर लो और पावर को सिंपली ऐड कर दो, 1 प्लस एन प्लस 2, 1 प्लस एन प्लस 2, ठीक है। और देखो कैसे हो गया, अब तो यहाँ पे देखो 2 के पावर, तो 4 प्लस 1 5, 5 2 प्लस 1 5 प्लस एन, ठीक है, माइनस और 2 के पावर 2 प्लस n, ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका हो गया 2 के पावर 4 प्लस 2 6 प्लस n माइनस ऑफ जो होता है 2 के पावर जो होता है 2 प्लस 1 3 प्लस n, ठीक है, ऐसे हो गया। देन अब इसको देखो, आपने देखा कि आपने क्या देखा कि यहाँ देखो 2 के पावर 5 प्लस n लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लिखा है कि a के पावर m प्लस n, अगर यहाँ पे जो होता है अगर आपको a मतलब बेस सेम है और m प्लस m पावर है, तो इसके बदले में आप ये भी लिख सकते हो, मतलब देखो या तो इसके बदले में ये लिखो या इसके बदले में ये लिखो, दोनों क्या है इक्वल है, ये लिखो तो ये लिखे तो ए, अगर आपका क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया है और आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तभी रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पर देखो 2 है तो 2 आपका a 2 है, उसके बाद यहाँ देखो
उसके बाद आपका m है तो m फॉर 5 और n फॉर n, ठीक है, मतलब इस फॉर्म में आपका एक्सप्रेस किया गया, तो आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन में कर सकते हो। तो देखो आप प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में 2 के पावर 5 इंटू देन इसके साथ फिर 2 के पावर n, फिर इसके साथ 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर n, फिर इसको चाहोगे तो देखो 2 के पावर 5 2 के पावर n इस फॉर्म में आ गया, और फिर इस फॉर्म में करोगे तो फिर आपका यही फॉर्म आएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो उसी तरह जो था इसको भी करना 2 के पावर 2 इंटू जो है 2 के पावर n, तो प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करना, ठीक है, एक दूसरे मल्टीप्लाई प्लस में प्लस मल्टीप्लाई में इंटरचेंज होता है, ये इक्वल टू दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ देखो बाई 2 के पावर 6 इंटू जो है 2 के पावर n, ठीक है, माइनस ऑफ 2 के पावर 3 यहाँ देखो इंटू 2 के पावर अब यहाँ पे n, तो फिर ये देखो 2 के पावर यहाँ पर आपने बेस को कॉमन कर लिया तो 3 प्लस n कर सकते हो। देखो अगर आपका अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो बेस को आप कॉमन कर लेते थे और पावर को ऐड कर लेते थे, तो यह क्या होगा कर लोगे 2 को तो फिर आपका 3 प्लस n हो जाएगा, जो कि 3 प्लस आपका n लिखा हुआ है पावर में, उसी चीज़ को आपने एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तब देखो इससे आसान क्या हो गया कि आपका देखो 2 के पावर n इसमें भी है, 2 के पावर n इसमें भी, 2 के पावर n इसमें भी है, 2 के पावर n में इसमें, तो इसमें से इसमें और इसमें से दोनों में से 2 के पावर n कॉमन कर लो, तो 2 के पावर आपने n कॉमन कर लिया कितना 2 के पावर 5 और माइनस और 2 के पावर 2 हो गया, ठीक है। देन इसमें से भी 2 के पावर n कॉमन कर लो तो 2 के पावर आपका 6 माइनस और 2 के पावर 3 हो गया, ठीक है, 2 के पावर 3 हो गया। अब देखो क्या 2 के पावर n से 2 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, अब आप इसमें से क्या को 2 के पावर 2 भी कम ले सकते हो, इसमें 2 के पावर 3 कर ले वो, तो मतलब और जो स्टेप क्या बढ़ने की जरूरत है, आप सिंपली देखो 2 के पावर 5 मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 5 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 बार करो, देखो 1 2 3 4 और 5 इसका मतलब कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 16 16 दुनी 32 इसका मतलब 2 के पावर 5 मतलब होता है ईयर 32 हो गया, और माइनस 2 के पावर 4 मतलब 2 के पावर 2 मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 2 बार, मतलब 2 का मीन्स तो आपका कितना हो गया 4 हो गया, माइनस ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद जो होता है 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 मतलब क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई आपका 6 बार, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 6 बार मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार मतलब 2 का 2 2 का 4 4 नहीं 8 8 नहीं 16 16 32 32 दूसरा 64 मतलब 64 हो गया, और माइनस ऑफ इसमें से आप 3 कॉमन कर सकते हो, उससे भी आसान सा, लेकिन यहाँ कर लो तो और आसानी रहेगी। और इसमें देखो 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर 3 तीन बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 का 2 2 नहीं 4 4 दुनी 8, ठीक है। तो देखो यहाँ 32 में से 4 का कितना हुआ 28, और 64 में से 64 में 8 का कितना हुआ 56 हुआ, ठीक है, तो 28 दूना 56 मतलब इसका आंसर आपका 1/2 होगा, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।